जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर जो चार्जिंग स्पीड आपके लिए यहाँ पर इनफ रहेगा, कितना ज़्यादा चार्जिंग स्पीड आप सभी के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। क्योंकि आजकल आप लोग देख रहे हो कि ब्रांड्स यहाँ पर 240 वाट तक पहुँच चुके हैं। 150 वाट वाला चार्जर तो अब इंडिया में लॉन्च होने ही वाला है। अगले महीने में रियलमी अपना एक डिवाइस लॉन्च करेगा, रियलमी GT2 प्रो, शायद उसके अंदर आपको 150 वाट का चार्जर देखने को मिले। तो इतनी ज़्यादा जो ये चार्जिंग स्पीड बढ़ती जा रही है, क्या इसके वजह से आपका जो है बैटरी के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, बैटरी लाइफ के ऊपर कुछ इंपैक्ट पड़ने वाला है, इसके बारे में यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के होने वाली है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और आप में से बहुत सारे लोग डेली वीडियोस देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज यार चैनल को आप लोग जरूर यहां पर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज की जो वीडियो बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा दूं कि आजकल जितने भी यहाँ पर स्मार्टफोन्स की जो चार्जिंग स्पीड बढ़ती जा रही है ना, जितने भी मिनिमम यहाँ पर 33 वॉट जो चार्जिंग है उससे ऊपर जितने भी चार्जर यहाँ पर आ रहे हैं, और वो जिस भी स्मार्टफोन के अंदर आ रहे हैं, उस स्मार्टफोन में यहाँ पर ड्यूअल सेल देखने को मिल रहे हैं, यानी कि दो बैटरीज का यहाँ पर यूज करा जा रहा है। दो बैटरी का यूज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम उसको ज्यादा यहाँ पर वोल्ट दे रहे हैं, ज्यादा वाट यहाँ पर उसको ज्यादा करंट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सिंगल बैटरी से काम नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ पर ब्रांड्स को दो दो बैटरी का यूज करना पड़ रहा है अपने स्मार्टफोन में। उससे क्या होता है कि सपोज मान लीजिए आपके स्मार्टफोन में यहाँ पर 6000 mAh की बैटरी दी हुई है, ठीक है, 6000 mAh की बैटरी में से उसको डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर एक साइड में 3000 mAh बैटरी आ जाएगा, एक साइड में यहाँ पर आपको 3000 mAh बैटरी देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर दो बैटरीज होगी। अब उससे क्या होगा कि सपोज एक स्मार्टफोन के अंदर यहाँ पर 120 वाट की चार्जिंग स्पीड दी गई है, तो उस स्मार्टफोन में 6000 mAh की बैटरी भी है और 120 वाट की यहाँ पर चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है। जो उसमें से करंट सप्लाई होगा तो 3000 वाले में जाएगा कुछ करंट और कुछ करंट इसमें जाएगा, तो जो पावर है ना वो दो भागों में यहाँ पर बट जाएगा, 3000 में जाएगा और इधर वाले में भी जाएगा, लेफ्ट और राइट साइड में, ठीक है, दोनों जगह करंट यहाँ पर डिवाइड हो जाना है। इससे ये होगा कि जो बैटरी है वो थोड़ी कम हीट होगी यहाँ पर और चार्जिंग भी थोड़ी सही तरीके से होगी और सुपर फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगी। पर जितनी ज्यादा यहाँ पर सुपर फास्ट चार्जिंग होगी तो बैटरी में डिग्रेडेशन भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो कंपनीज वाले ये सब चीज के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, वो चीज क्या है कि यहाँ पर जो ब्रांड्स है ना, आज के टाइम में इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ा पड़ा है एंड्रॉइड्स के अंदर। आईफोन में हम इतना क्यों नहीं देखते हैं, क्योंकि आईफोन वो थोड़ा अलग ही चलता है यहाँ पर, और एंड्रॉइड्स में इतने सारे ब्रांड्स हैं कि हर कोई अपने को बड़ा दिखाना चाहता है यहाँ पर। आज के टाइम में ये दिखाना चाहता है कि हमने देखो इतना वाट का यहाँ पर चार्जर लिया है, इतने मेगा पिक्सल का हम कैमरा लिया है, तो यही चीज़ यहाँ पर ट्रेंड बढ़ती जा रही है। हालांकि ये जो टेक्नोलॉजी इतनी कुछ बुरी नहीं है यहाँ पर, देखिए हर किसी की पसंद अलग हो सकती है। काफ़ी सारे यूजर जो है वो 120 वाट, 67 वाट और यहाँ पर जो है 155 वाट या 125 वाट वाला जो चार्जर है, या 240 वाट के भी चार्जर आ रहे हैं, तो लोगों के दिमाग में एक थोड़ा सा जाता है कि चलो हम भी एक्सपीरियंस करके देख लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पर कि सब लोग एक जैसा यहाँ पर सोचे, बहुत कम लोग होते हैं जिनको चाहिए कि हम थोड़ा ज़्यादा चार्जिंग स्पीड प्रोवाइड करें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कुछ ज़्यादा ही चार्जिंग की स्पीड की ज़रूरत पड़ती है, वो चाहते हैं कि हमारा स्मार्टफोन जल्दी चार्ज हो, तो वैसे लोगों के लिए जो है ये चार्जिंग स्पीड थोड़ी सही रहती है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि देखिए यहाँ पर सपोज 6000 mAh वाली जो बैटरी है ना, अगर वो सिंगल बैटरी यूज़ करते हैं और उसके अंदर यहाँ पर जो है 33 वोट या 30 वोट का जो चार्जर है इतना रहता है ना, तो क्या हुआ कि जो इतना वाट का जो चार्जर है वो यहाँ पर प्रॉपर करंट्स को जो है प्रोवाइड करेगा बैटरी के अंदर। एक ये कारण ये होगा कि अगर 6000 बैटरी है तो उसके अंदर देखिए आजकल जो स्मार्टफोन्स है उसके अंदर आपको लिथियम आयंस बैटरी देखने को मिलती है। इसका कारण ये है कि इसमें दो चीज़ होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव के साइड में जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब आपका फोन यहाँ पर चार्जिंग में लगाते हो तो जो वो इलेक्ट्रॉन्स या जो आयंस है ना वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लग जाते हैं, प्रोटॉन्स जो ऊपर जो पॉजिटिव वाला जो होता है प्लस का निशान उसकी तरफ यहाँ पर अट्रैक्ट होने चालू हो जाते हैं, नीचे से वो ऊपर की तरफ जाते हैं यहाँ पर, जैसे डिस्चार्ज होगा तो वो नीचे यहाँ पर नेगेटिव में आ जाएंगे। जब वो यहाँ पर जब नेगेटिव में आ जाते हैं तो समझिए आपका स्मार्टफोन यहाँ पर डिस्चार्ज हो रहा है, और ऊपर जा रहा है पॉजिटिव में तो आपका फोन जो यहाँ पर चार्ज हो रहा है। तो अगर इसी तरह हम यहाँ पर दो सेल का यूज करते हैं, जैसे 3000 और 3000, ये दो सेल्स हो गए, एक साइड में 3000 जा रहा है, एक साइड में 3000 जा रहा है, तो जो वहाँ पर जो डिग्रेशन देखने को मिलेगी ना कुछ टाइम बाद, क्या होगा कि जो दो सेल का जो यूज़ करा जा रहा है वो जो एक साइड वाला जो सेल है उसकी जो पावर वो लगभग यहाँ पर 50% तक कम हो जाएगी, ये गारंटी है यहाँ पर, ठीक है। आजकल ब्रांड्स ये सारी चीज़ को नहीं बता रहे हैं, और हालांकि जिस स्मार्टफोन्स के अंदर एक ही सिंगल बैटरी का यूज़ करा जा रहा है उसको यहाँ पर दो भागों में स्प्लिट नहीं करा हुआ है, तो जैसे मान लीजिए कि स्मार्टफोन में 33 वोल्ट की चार्जिंग स्पीड देखने को मिल जाती है, 30 वाट की जो चार्जिंग की जो स्पीड है ना वो क्या करता है कि 6000 जो बैटरी mAh है उसकी, और उसके अंदर आपको 6000 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल जाएंगे, आयंस देखने को मिल जाएंगे। सपोज आप मान के चलिए उसके अंदर 6000 mAh बैटरी और 6000 ही उसके अंदर आयंस देखने को मिल जाते हैं, तो अगर उसको 33 वोल्ट की स्पीड से चार्ज करा जा रहा है तो वो एक समय तक जो क्या है आफ्टर 500 या 600 जो साइकिल होता है ना अपडेट का, कि 500-600 बार चार्ज करने के बाद जो उसकी डिग्रेशन इतनी देखने को मिलेगी, तो यही चीज़ है कि अगर आपके डिवाइस में 6000 mAh बैटरी है, अगर आप उसको डेली 33 वोल्ट की स्पीड से चार्ज कर रहे हो, तो ऐसा ये होगा कि जो आपकी बैटरी की जो डिग्रेशन है ना वो आफ्टर
500 या 600 जब साइकिल कंप्लीट हो जाएगी तो लगभग यहाँ पर 20% 25% डिग्रेडेशन देखने को मिलेगी बैटरी के, ठीक है। और वहीं हम लोग बात कर लें जिस स्मार्टफोन के अंदर आपको ड्यूल सेल बैटरी देखने को मिलता है और 33 वाट से ऊपर की जो चार्जिंग देखने को मिल रही है ना, उससे ये होगा कि जो एक साइड वाला जो बैटरी है ना, एक जो सेल है उसके अंदर जो आयंस तो वो कम हो गए, क्योंकि देखिए आपने एक चीज समझ ली कि यहाँ पर अगर सिंगल बैटरी है तो उसमें ज्यादा आयंस या इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे हैं, और वहीं पर अगर दो बैटरी यूज हो रही है तो उसमें जो क्या है कि वो दोनों जो आयंस है या जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो यहाँ पर अलग अलग हो गए ना, एक साइड में 3000 चला गया, एक साइड में 3000 चला गया, तो जो करंट यहाँ पर प्रोवाइड होगा तो वो भी उसकी वैल्यू भी यहाँ पर घटती जाएगी, एक साइड वाले में थोड़ी पावर कम होती जाएगी यहाँ पर, ये चीज देखने को मिलती है। तो जो फास्ट चार्जिंग जो स्पीड है ना, 33 वॉट से ऊपर वाली जो स्पीड है वो इतनी ज्यादा हेल्पफुल नहीं है यहाँ पर। हेल्पफुल सिर्फ एक चीज में कि वो आपको थोड़ा जल्दी चार्ज करके दे देता है, कई लोगों को जल्दबाजी रहती है, जल्दी जल्दी चार्ज कर रहे हैं अपने स्मार्टफोन को, तो ये उन लोगों के लिए यहाँ पर हेल्पफुल होती है। बट इसका नुकसान यही है कि यहाँ पर जो बैटरी की जो लाइफ है वो बहुत जल्दी कम देखने को मिलती है। आईफोन वाले क्या करते हैं कि आईफोन का जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं, भले ही उसमें 20 वाट का या 15 वाट का ही चार्जर क्यों ना मिल रहा हो आईफोन के डिवाइसेज में, आईफोन 11, 12, 13 जितने भी लॉन्च हुए इसमें आपको ड्यूल सेल बैटरी देखने को मिलता है। ये सिर्फ बिजनेस का खेल है यहाँ पर ब्रांड्स का। वो क्या करते हैं आप देखिए, आईफोन में यहाँ पर 20 वाट का या 25 वाट के चार्जिंग स्पीड दे रखी है, फिर भी उसके अंदर ड्यूल सेल यूज करा जा रहा है। ये एक बिजनेस माइंड है यहाँ पर। इससे क्या होता है कि जब ये दो सेल का यूज करा जाता है ना, तो एक सेल की जो पावर है ना वो कुछ टाइम में यहाँ पर कम हो जाती है और काफी ज्यादा यहाँ पर डिग्रेडेशन देखने को मिल जाती है। तो आईफोन में भी देखोगे ना तो डिग्रेडेशन देखने को मिलती है यहाँ पर जल्दी जल्दी। उसी तरह हम एंड्रॉइड की बात कर ले तो एंड्रॉइड के अंदर भी यही चीज आपको देखने को मिलता है। जितनी ज्यादा यहाँ पर एंड्रॉइड में थोड़ा सिस्टम अलग है कि इसमें जितने ज्यादा हम लोग फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करेंगे तो डिग्रेडेशन थोड़ी ज्यादा देखने को मिलेगी। मिनिमम यहाँ पर स्मार्टफोन में आज के टाइम में 33 वोट की चार्जिंग इनफ है। 33 वाट से ऊपर जाते हैं तो वही डिग्रेडेशन वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और 33 वोट या यहाँ पर बस कहने का मतलब है कि अगर सिंगल बैटरी यूज करा जाए तो उसका जो बैटरी बैकअप है वो काफी अच्छा खासा यहाँ पर देखने को मिल जाता है और लॉन्ग टाइम के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। वहीं ड्यूअल सेल यूज कर लिया जाए तो बैटरी डिग्रेडेशन ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ये बस एक छोटी सी बात है, उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। और जो इतना आप लोग चार्जिंग स्पीड के पीछे मत भागिए, आप ये देखिए कि आपके स्मार्टफोन में बस यहाँ पर बैटरी जो है वो थोड़ी ज्यादा एमएच की देखने को मिले। सपोज यहाँ पर 5000 एमएच या 6000 एमएच या 4000 से ऊपर एमएच की जो बैटरी वो देखने को मिले और सिंगल बैटरी का बस उसके अंदर यूज हो और मिनिमम जो चार्जिंग स्पीड है आज के टाइम में जो है ना, आज के टाइम में क्या आगे के भी टाइम में जो है यहाँ पर 33 वोल्ट वो इनफ है। इससे ज्यादा आप बैटरी यूज करोगे ना, आप चार्जिंग स्पीड यूज करोगे तो बैटरी डिग्रेडेशन ज्यादा देखने को मिलेगी। वही मैंने आप लोगों को समझाया कि जो आयंस है ना वो डिवाइड हो जाते हैं दो बैटरीज के अंदर, तो वहाँ पर पावर थोड़ी कम हो जाती है यहाँ पर, कुछ टाइम में जल्दी डिग्रेडेशन देखने को मिल जाता है। और सिंगल बैटरी रहता है ना तो वो थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा टाइम तक आपको बैटरी बैकअप देता है और उसकी लॉन्ग लाइफ थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो उम्मीद है कि छोटी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई और भी अगर इसके रिगार्डिंग डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और उम्मीद है कि आप लोग आगे से ज़्यादा चार्जिंग स्पीड के पीछे नहीं भागेंगे, आपको यहाँ पर जो मिनिमम 33 वोल्ट है ना वो इनफ है आज के टाइम में, ठीक है। और आगे का टाइम में भी आप लोग इसको आराम से यूज कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियोस का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।